गुड मॉर्निंग किड्स। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था हमारे कि कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कौन से होते हैं। उन कंप्यूटर के मेन पार्ट्स के बाद हमने एक एडिशनल पार्ट यूपीएस भी पढ़ा था, जो कि लाइट जाने के बाद भी हमारे कंप्यूटर को ऑन रखता है, ताकि हमारा जो भी हमारा वर्क हमने किया है वो हम सेव कर सकें। ओके, देन अब हम पढ़ेंगे सबसे मेन स्टार्टिंग ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि एक कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे किया जाता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के कुछ स्टेप्स हैं। टू स्टार्ट अ कंप्यूटर फॉलो दीज स्टेप्स। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आपको ये स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप, स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई। मेन पावर सप्लाई, आपका जो मेन पावर सप्लाई बोर्ड है उस पर स्विच है उसको सबसे पहले ऑन करना होता है, उसमें कंप्यूटर का वायर लगाने के बाद। ठीक है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे पावर सप्लाई बोर्ड। सेकंड स्टेप है हमारा स्विच ऑन द यूपीएस। अगर आपने यूपीएस लगा रखा है तो आपको यूपीएस को स्विच ऑन करना पड़ेगा। ओके, देन थर्ड स्टेप है स्विच ऑन द सीपीयू। देखो बच्चों, ये बुक में ही थोड़ा सा डल है, इस वजह से इसमें ऐसा दिख रहा है। आप अपनी बुक में देखिएगा, स्टेप थ्री जो लिखा हुआ है वो है स्विच ऑन द सीपीयू। हमें सीपीयू पर को स्विच ऑन करना है। सीपीयू पे एक बटन होता है, उसको आपको प्रेस करना है। नेक्स्ट स्टेप फोर है स्विच ऑन द मॉनिटर। उसके बाद मॉनिटर का भी एक बटन होता है जिससे उसमें लाइट जलती है, उस मॉनिटर बटन को भी आपको ऑन करना है। क्लियर, अब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले कंप्यूटर में कुछ टाइप मैटर आएगा, जो कि कहलाता है हमारे कंप्यूटर का रोम पार्ट, रोम मेमोरी। रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि सिर्फ उसे रीड करना होता है। वो कंप्यूटर के बारे में कुछ नॉलेज देता है कि हमारे कंप्यूटर में कितनी मेमोरी है, कौन से सॉफ्टवेयर है, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर, कौन सी फाइल है। अगर कुछ डैमेज है तो वो वहीं बता देता है। उसके लिए आपको वो कुछ इंडिकेट भी करता है कि F1 प्रेस करो या F2 प्रेस करो। ये सब चीज़ें आपके बाद में आएगी। फर्स्ट में इतना समझो कि आपकी ये फोर स्टेप्स आप करने के बाद आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद वो रोम मेमोरी चलेगी और अपने आप स्टार्टिंग विंडो एक आइकन आएगा और उसके बाद आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, आपके इस चैप्टर में इतना ही है। सबसे पहले हमें आपको कंप्यूटर स्टार्ट करना बताना था, तो कंप्यूटर स्टार्ट कर लिया गया आपने। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसमें पढ़ेंगे कुछ प्रोग्राम्स खोल के, हम उन प्रोग्राम्स के ऊपर वर्क भी करना सीखेंगे। वो प्रैक्टिकल पार्ट होगा, तो पहले हम थ्योरिकल पार्ट करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे। क्लियर, अब इसमें है एक्सरसाइज। अब ये एक्सरसाइज आपको खुद सॉल्व करनी है। आपने चैप्टर पढ़ा है, आपको दोबारा रीड करो। कुछ कुछ कोई क्वेश्चन अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट करो कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मिला, तो मैं आपको बताऊंगी कि वो बुक में उसका आंसर कहाँ पर है। अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ, एक मॉनिटर कैसा दिखता है, रैट की तरह, माउस की तरह या टेलीविज़न की तरह? तो ऑब्वियस है, टेलीविज़न की तरह। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल पावर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जब हमने CPU पढ़ा था तो मैंने कहा था CPU, UPS, इन सब के फुल फॉर्म्स आपको लर्न कर लेनी है, क्योंकि ये इस तरह से भी आ सकती हैं, या फिर इसमें आप सिंपल ये भी दिया हुआ आ सकता है क्वेश्चन में कि CPU की फुल फॉर्म, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द CPU, CPU की फुल फॉर्म लिखो, तो आपको स्पेलिंग भी लर्न होनी चाहिए। सिर्फ टिक द करेक्ट में नहीं आएगा, ये आपको फुल फॉर्म बताने के लिए भी आ सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी आंसर। द करेक्ट आंसर इज बी। इट कीप्स अ कंप्यूटर ऑन इवन व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। ये कंप्यूटर को ऑन रखता है इवन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाए तो भी। कौन सा है वो पार्ट, CPU, माउस या CPU? CPU नहीं है, क्योंकि वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। कंप्यूटर के सारे जितना भी प्रोसेस होता है वो CPU हैंडल करता है, कंट्रोल करता है। माउस से हम सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं। और UPS, तो UPS क्या है, UPS ही वो पार्ट है कंप्यूटर का जो कि कंप्यूटर को ऑन रखता है इवन इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। ओके, इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। ओके, तो राइट आंसर इज UPS. नेक्स्ट भी क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स।
साइड में आपका येलो बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, टू टू वर्ड्स हर फिल इन द ब्लैंक्स के सामने दिए हुए हैं, उसमें से आपको चूज़ करके राइट करेक्ट वर्ड को चूज़ करके उसमें आपको फिल करना है. फर्स्ट है अ शो व्हाट वी डू ऑन अ कंप्यूटर. क्या शो करता है कंप्यूटर पे हम जो भी कर रहे हैं वो कौन सा पार्ट शो करता है हमें, सीपीयू या मॉनिटर. कौन सा करता है, मॉनिटर करता है. ओके तो मॉनिटर शो व्हाट वी डू ऑन अ कंप्यूटर. अ ब्लैंक इज नोन एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर का ब्रेन हम किसे कहते हैं, सीपीयू को या यूपीएस को. यूपीएस को नहीं कहते, वो तो कंप्यूटर को ऑन रखता है इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद. कंप्यूटर का सारा वर्क कौन करता है, सीपीयू. ओके दिस करेक्ट आंसर इज सीपीयू. अ ब्लैंक कंटेन्स मैनी कीज. मैनी कीज बहुत सारी कीज किस पर होती हैं, कीबोर्ड और या फिर माउस किस पे होती है. माउस में तो 3 बटन्स ही होते हैं, तो ज़्यादा कीज किस पे होती है, कीबोर्ड पे होती है. किस पे होती है, कीबोर्ड पे होती है. तो राइट आंसर इज कीबोर्ड कंटेन्स मैनी कीज. अ ब्लैंक हेल्प अस टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स. पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए और गेम्स प्ले करने के लिए कौन सा पार्ट काम में आता है, कौन सा पार्ट हमारी हेल्प करता है, कीबोर्ड या माउस. कीबोर्ड नहीं करता, माउस करता है. तो राइट आंसर इज माउस. अ माउस हेल्प अस टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स. नेक्स्ट है सी, थिंक एंड आंसर. राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, मेन 4 पार्ट्स जो हमने पढ़े हैं, एडिशनल नहीं, 4 पार्ट्स मेन पार्ट्स. वो कौन से होते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू और माउस. तो ये 4 पार्ट्स आपको यहाँ पर राइट डाउन करने हैं. व्हाट आर कीज़. कीज़ क्या होती हैं, कीबोर्ड हैज़ मैनी बटन्स कॉल्ड कीज़. कीबोर्ड्स के जो बहुत सारे बटन्स होते हैं उस पर उनको कीज़ कहते हैं. राइट वन यूज़ ऑफ ए माउस. माउस का फर्स्ट वन यूज़ कौन सा है, माउस का कोई सा भी एक यूज़. माउस से हम क्या क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, तो कोई भी एक. तो हम क्या कर सकते हैं, माउस हेल्प अस टू ड्रॉ पिक्चर्स या फिर माउस हेल्प अस टू प्ले गेम्स, माउस पॉइंट आउट द आइकन्स. इनमें से आप कोई सा भी लिख सकते हैं. एक बार अपने आप लिखना, उसके बाद मुझे पिक्चर भेजना, मैं राइट डाउन मैं उसे चेक कर सकती हूँ. ओके व्हाई इज सीपीयू नॉन एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. अब ये थोड़ा सोच के लिखना है कि कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन क्यों कहलाता है. कंप्यूटर के सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन क्यों कहते हैं. मैंने आपको बताया था चैप्टर पढ़ते वक्त कि कंप्यूटर का जितना भी वर्क होता है, जितना भी सेविंग वर्क होता है वो सीपीयू में ही सेव होता है. और जो भी कंप्यूटर वर्क करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन हम उसे देते हैं, उस पर प्रोसेस वर्क कौन करता है, सीपीयू करता है. इसलिए जैसे हमारा दिमाग सोच के सारा काम वर्क करता है, वैसे ही कंप्यूटर का भी सीपीयू उसका सारा वर्क करता है. तो इसीलिए कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं. तो आप इसे अपने वर्ड्स में कैसे लिखते हैं देखते हैं. ओके नाउ एक्टिविटी टाइम. राइट ए बी सी टू शो द ऑर्डर इन विच यू विल स्टार्ट अ कंप्यूटर. तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्विच बोर्ड, जो मेन स्विच बोर्ड है हमारा, उसको क्लिक करेंगे. थर्ड वाला क्या हो जाएगा, ए. उसके बाद हम यूपीएस को ऑन करेंगे, उसके बाद हम सीपीयू को ऑन करेंगे. यानी कि ये बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख करे हुए हैं, तो उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में ए बी सी करना है. कैसे लगाते हो आप लगाइए. नाउ ये जंबल्ड अप करना है इनको. यू सी पी नहीं होता, क्या होता है, सी पी यू. पी यू एस नहीं होता, क्या होता है, यू पी एस. माउस की स्पेलिंग और इसके बाद ये मॉनिटर की स्पेलिंग आपको सही करनी है और इसको मैच भी करना है. राइट मैच से आपको राइट मैच करना है. ये एक्टिविटी है, ये आपको खुद करनी है. सो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है. नाउ फिनिश 7 फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर. अब आपका ये एक टेस्ट पेपर दिया हुआ है, टिक द एंड काउंट द मशीन्स. आपको मशीन्स पे टिक करना है और कितनी मशीन्स हो गई हैं, टोटल नंबर ऑफ मशीन्स नीचे दिया हुआ है. यहाँ लिखना है कि इसमें ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 पिक्चर्स हैं, उनमें से मशीन्स पिक्चर्स कितनी हैं वो काउंट करके लिखना है.
राइट द मिसिंग पार्ट इन ईच कंप्यूटर शोन। अभी आपके यहाँ 4 पिक्चर्स दी हुई है कंप्यूटर्स की, हर पिक्चर में एक पार्ट मिसिंग है, वो कौन सा पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो पिक्चर है हमारी, उसमें CPU है, मॉनिटर है, UPS भी है, कीबोर्ड भी है, लेकिन माउस नहीं है, तो कौन सा मिसिंग है, माउस। तो नीचे आपको माउस लिख देना है, ये भी आप अपने आप करेंगे। सो चैप्टर इज़ फिनिश। फर्स्ट चैप्टर की आपकी क्वेश्चंस की PDF मैं आपको सेंड कर दूंगी। इसी के साथ ये हमारा पार्ट फिनिश हो गया।